चुनाव के दौरान बाहुबलियों से टकराना 6 अफसरों को बड़ा महंगा पड़ गया है। चुनाव से पहले ही आईपीएस लिपि सिंह को चुनाव कार्य से अलग करने का फैसला ले लिया गया और अब मुंगेर के लखीसराय में चौथे चरण के मतदान के दौरान 2 बूथों पर हंगामे और 1 प्रत्याशी विशेष के पक्ष में वोट डाले जाने की सूचना सीनियर ऑफिसर्स को नहीं देने के कारण 5 अफसरों पर कार्रवाई की गई है और मुंगेर में 6 मई को दोबारा चुनाव करवाने का फैसला ले लिया गया है। दरअसल चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग के आदेश पर सरकार ने बाढ़ की एसडीपीओ और आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह का तबादला कर दिया। लिपि सिंह को एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्ता में एएसपी के पद पर नई तैनाती मिली है। बता दें कि लिपि के खिलाफ मुंगेर के कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम देवी ने पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए आयोग को लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके बाद मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव के दौरान लखीसराय के 2 सीटों पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मतदान के दौरान खुद बाहुबली अनंत सिंह बूथों पर नजर बनाए हुए थे, वो घूम घूम कर पोलिंग का जायजा भी ले रहे थे। इसके अलावा उनकी पत्नी और मुंगेर से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी भी मतदान के दौरान काफी सक्रिय दिखी थी। उन्हें बूथ कैप्चरिंग की भनक लगी, जिसके बाद वो वहां पहुंचकर अधिकारियों की क्लास लगाने लगी। कर रहे हैं। इतना फोर्स है, आप लोग क्या कर रहे हैं? यही सब कराने के लिए प्रेजाइडिंग अफसर कौन है दोनों बूथ के? दोनों बूथ कैंसिल होगा, दोनों बूथ को ऐसे के दोनों बूथ कैंसिल करवाते हैं, कैंसिल करवा देते हैं। वो गया कहां मार के? वो गया वहां रे, सब घर चला गया, घर चला गया। किसी के बेटा तो आ रहे हमसे लड़े सब ही पर। इसके बाद लखीसराय के ही एक बूथ पर पत्रकार से मारपीट की बात सामने आई। पत्रकार ने वहां बूथ मैनेज होने की बात की, उन्होंने कहा कि ऊपर तक सब मैनेज है। मंदिर जैसी स्थिति की हो रही है तो मंदिर गुस्से में देखिए कुछ लोगों को लाइन लगा के मैनेज किया जा रहा है और बोला गया कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मानो कुछ गलत हो रहा था ऐसे वो लोग चेहरे उड़े हुए थे। तो हम देखने लगे, फिर सब अपना अपना पर्ची दिखाने लगे। जब पर्ची दिखाया तो महिलाओं के हाथ में हमने देखा कि उनका हाथ पहले से ही जो इंक लगाया जाता है जब चुनाव वोटिंग के बाद, वो पहले से लगा हुआ था। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। फिर हम देखे कि लोग वोट दे रहे हैं और हमें बोला जा रहा है कि हो गया, आप यहाँ से निकलिए। हमने कहा भाई हम क्यों निकलेंगे, हमारे पास तो इलेक्शन का पास है कवर करने का। बोला नहीं नहीं, आप लोग इस बूथ पर मत रहिए, यहाँ से निकलिए, यहाँ आप लोग रहने की जरूरत नहीं। मेरे कैमरामैन को बार बार धक्का दिया गया कि आप यहाँ से चलिए, बहुत हो गया, आप निकलिए, यहाँ से दूसरा जगह जाइए। तो मैंने पूछा भी आखिर क्या मामला है, क्यों आप उसको ऐसे कर रहे हैं? तब तक जो स्थानीय मुखिया थे वो गाली गलौज पर उतर आए, उनके साथ में उनके एक और दोस्त थे, संगी थे, वो बोले कि आप हम लोग को गाली दे रहे हैं। और इतना कहते ही वो तमाम हम पर टूट पड़े, हमें मारने पीटने लगे, गिरा दिया गया। अब देख सकते हैं किस तरीके से कान पे खून गिर रहा है, लात जूतों से घूसों से मारा गया, कैमरा तोड़ दिया गया, माइक तोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो पुलिसकर्मी थे, जब हम उनसे बात किए तो उन्होंने भी साफ तौर पर पुलिसकर्मियों ने हमसे कहा कि सर ये बूथ बहुत अच्छे से मैनेज है, हमने डीएमएसपी लोगों को बड़े पदाधिकारियों को फोन किया है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो, बूथ बहुत अच्छे से मैनेज है, कोई नहीं सुन रहा है सर, आप देख रहे हैं किस तरीके से बूथ मैनेज है। और जब हमें मारपीट किया जा रहा था तो आश्चर्य की बात है कि जो सिपाही थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, कोई बचाने नहीं आए, सिर्फ 2-3 सिपाही आए, कुछ जिस तरीके से हम जान बचा के अपने गाड़ी में बैठे, गाड़ी को भी घेर लिया गया, गाड़ी के ऊपर भी तोड़फोड़ करने शुरू कर दी गई। उसके बाद जिस तरीके से
किसी भी तरीके से जान बचा के अपना वहाँ से बाहर निकल। जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों बूथों को कैंसिल कर दिया और दोबारा चुनाव की घोषणा भी कर दी। दरअसल लखीसराय के चौथे चरण के मतदान के दिन दो बूथों पर हंगामा हुआ था और एक प्रत्याशी विशेष के पक्ष में वोट डाला गया था। बूथ पर तैनात अधिकारियों ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को नहीं दी थी, जिसके बाद उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जांच में मामला सच पाए जाने पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करने वाले इन सभी अधिकारियों और कर्मियों को सस्पेंड कर बर्खास्तगी के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश डीएम को दे दिया। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने बताया कि इन सभी पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा विभाग के ADM DPU शिवचंद्र बैठा, सोनरा मिडिल स्कूल के शिक्षक अजय कुमार चौहान, जिला पशुपालन विभाग का रात्रि प्रहरी योगेंद्र कुमार, होमगार्ड कार्यालय का कर्मी विनोद कुमार चौधरी और यूनियन बैंक के कर्मी सनी राज पर कार्यवाही की जा रही है। अरे हटे जाता।